हेलो, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत लकी जी का हमारे कुलदीप जी राठौड़ साहब डीपीएस एकेडमी स्कूल के संचालक इंद्र सिंह जी भगवत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज बिराजिएगा और बाबा के दरबार में पहली हाजिरी के रूप में पहले प्रतिभागी प्रमोद सोनी। हेलो, क्या आप तैयार हैं? साउंड के सिर्फ तीन व्यक्ति यहां रहेंगे। साउंड के पास जो भी व्यक्ति है पीछे है, लाइटमैन कितने हैं तुम्हारे भैया? लाइटमैन कितने? मैंने पीछे बैठे आप, यहां जगह खाली होनी चाहिए बिल्कुल। हेलो, हालो हरजीत वरे थाने मिल सी रामा पी दुखिया ने सुखिया करे ओ बाबू साजा करे रे ओ की ताना टूटिया जटकी पड़ी रे जंजीर रतिनो रंग हो रामा पी मरुधर में ज्योति जगाई गयो रे बाबो धोनी ध्वजा फहराई गयो हे मारो सावरियो बन भरी मारो सावरियो बन भरी बाबू पची रंग पे चा धरी बाबू पची रंग पे चा धरी भगता रे कारण बज मिल गल बवना सुबल के सरिया बागारो सिंगार यो राजा अजीमली पुण्य कमायो राजा अजीमली पुण्य कमायो तानी पुत्री रूप में पायो राजा अजीमली पुण्य कमायो तानी पुत्री रूप में पायो मेणा दे लाडी लड़ायो मायड़ी बनी दूध पिलायो और क्या कहा भादरवारी दूज में आई गयो चांदनिया सू चमकाई गयो भादरवारी दूज में आई गयो चांदनिया तू चमकाई गयो भाई सुगिना भाई सुगिना भाई सुगिना आरती गावे हरि हरि जी चवन डुलावे भाई सुगिना आरती गावे हरि हरि जी चवन डुलावे श्री लक्ष्मी रूप ने तल दे में ब्याह कियो सुमली के सरिया बागारो सिंगार कियो दोनों
हिंदुआ बाबो हिंदुआ पीर कहायो, बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी का नगर बसायो। ये बाबो हिंदुआ बाबो हिंदुआ बाबो हिंदुआ पीर कहायो, बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी का नगर बसायो। कोई छोटो कोई छोटो ना कोई मोटो, बाबो भेद भाव निमिटायो। होती थलिया में आई गयो तंदूरी रातार बजाई गयो, होती थलिया में आई गयो तंदूरी रातार बजाई गयो। बाबो तुरा हे बाबो तुरा किलंगी धारी, नरे कीरति जग में भारी, नरी कीरति जग में भारी, कलयुग में बाबा कलयुग में बाबा कलयुग में बाबा बगिया ने कुछ खाई गयो। कसुमली की सरिया जा मारो श्रृंगार कियो, बाबो मन डारी आश पुरावे। बिछड़ोड़ा 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 मीत मिलावे, बाबो मन डारी आश पुरावे। जो जावे पर जा पावे, जो जावे पर जा भगता रवे दुखड़ा मिटावे। हर जी भाटी गुणी गाई गयो, गोपालो शरण में आई गयो। हर जी भाटी गुणी गाई गयो, गोपालो शरण में। एक बार जोरदार तालियां प्रमोद जी सोनी पहले प्रतिभागी के रूप में कि आपके स्तर पर होगा सुरों का सरताज। आज होगा फैसला आज, लेकिन ये निर्णायक क्या फैसला लेंगे समय का इंतजार कीजिएगा। अगले पायदान पर श्री सीमेंट से हमारे बीच पधारे दूसरे प्रतिभागी के रूप में, मैं विजय गोविल को आवाज देना चाहूंगा। इससे पहले हमारे मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक निवेदन है सभी प्रतियोगी से कि किसी को हम कहें या म्यूजिशियन बंधु बंद करें, आप मोबाइल साथ ले जा सकते हैं और समय की पूरा आप ध्यान रख सकते हैं, ताकि जो व्यवस्था है उसके अनुरूप वर्क हो। प्रतियोगी ज्यादा हैं और पूरी प्रतियोगिता का हमें आयोजन करना है, तो उसका आपको बीच में म्यूजिशियन बंधु बंद करें या हमारी ओर से इशारा करते हैं तो आपका अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप खुद ये चीज ध्यान रखें और 7 मिनट के अंदर अंदर उस भजन को समाप्त करने की कोशिश करें। थैंक यू मुकेश जी। सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई के लिए हमारे तमाम भक्त अतिथि सभी यहां मौजूद हैं। डरिए मत और बड़ी बेबाकी के साथ में बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी दीजिए, कि जब हौसला बना दिया है ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो बाबा के दरबार में दूसरे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच विजय गोविल श्री सीमेंट से पधारे हैं। लेट्स म्यूजिक प्ले। बालपना मेरा रामदेव मन में एक विचारी,
चजने करो सवारी। घोड़ा दियो मंगवाए महिमा मन घोड़ा दियो मंगवा घोड़े चढ़ने घूमने जासू घोड़े चढ़ने घूमने जासू घोड़ा दियो मंगवाए महिमा घोड़ा दियो मंगवाए महिमा मन घोड़ा दियो दर्जी कैद करायो, ओ दर्जी कैद करायो,
दर्जी विनती कर दाना गो बहुत बहुत आभार विजय गोविंद साहब का। बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी लगी और अगली पायदान पर मैं करण सोलंकी को आवाज देना चाहूंगा। करण सोलंकी आप आए, तृतीय प्रतिभागी हैं। आपको बता दूं कि करण सोलंकी वो शख्सियत है जो प्रथम भजन प्रतियोगिता जब पिछले साल आयोजित की गई थी उसके विजेता रहे हैं ये। हालांकि इस बार ये खिताब इन्हें मिलेगा ये नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। तमाम प्रतिभागी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के बीच में करण सोलंकी। रेडी है? वंदे गौ मातरम ट्रस्ट के तमाम पदाधिकरण सदस्यगण हमारे बीच पधारे हैं। बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी लगी है, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हेलो हेलो, अगली आवाज करण सोलंकी। आपका समय शुरू होता है अब। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले निगस के उस मोड़ पे सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे जय श्री शाम। अब तो मुझको थाम ले हार गया मैं इस दुनिया से अब तो बाबा थाम ले कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले हार गया मैं
इस दुनिया से अब तो आकर था मिले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। अपनों परायों अपने पराए अपने पराए छोड़ गए मुझे दिल मेरा यूं तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए मुझे दिल मेरा यूं तोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। जैसे दर्शन सबको दिए हैं वैसे मुझे करा दे दो। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथी छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले निंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले निंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले निंगस के उस मोड़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। करण सोलंकी जी की आवाज का जादू हम सब पर बिखरा। बाबा के दर पर आपने हाजिरी लगाई, रिंगस के उस मोड़ पर बाबा को बुलाया, क्योंकि बाबा की जोत से नूर मिलता है और भक्तों के दिल को सुरूर मिलता है, और जो भी आता है बाबा के दर पर उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी बहुत ही प्रशंसनीय रही। हमारे बीच में अतिथि के तौर पर इंद्र सिंह जी के बागावास साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत बेहतरीन आयोजन करने जा रहे हैं। एक विशाल सद्भावना रैली का आयोजन कल ब्यावर के इतिहास में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। गवाह बनने वाला है कल का दिन, जब ब्यावर निवरण तमाम क्रांतिकारियों की उनके योगदान की वो कहानी प्रदर्शित करती हुई झांकियों का एक ऐसा रेला कल सुबह 10 बजे मिशन ग्राउंड से एक सद्भावना रैली के रूप में एक विशाल आयोजन ब्यावर की धरा पर होने जा रहा है, जिसके आयोजक इंद्र सिंह जी बागावास साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन तमाम क्रांतिकारियों को याद करने के लिए भी आपका हम अभिवादन करते हैं, और आप सभी से उनके निमित्त निमंत्रण रूप में आप सभी से गुजारिश करता हूं, ब्यावर की जनता से गुजारिश करता हूं कि आप भी सहभागी बने। हमारे जो तमाम क्रांतिकारी हैं, जो देशभक्त हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर दी, उस पाकिस्तान को ना जाने किस किस सपने में वो खोया था, उसे उसकी औकात दिखा दी, उन क्रांतिकारियों को कल याद करने के लिए एक सद्भावना रैली का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि उस पाकिस्तान को ललकार दी जा रही है कि ये पाकिस्तान तू कश्मीर का ये ख्वाब ना देख, कि ये पाकिस्तान तू कश्मीर का ये ख्वाब ना देख, चैन से देख, तुझे हम नहीं सोने देंगे, और जोर लगा कितना भी हो सके तुझसे, इस भारत के टुकड़े हम नहीं होने देंगे। बोलो भारत माता की। अभी बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगा हमारे बागावास साहब से कि आप रैली के मार्फत भी और तमाम हमारे भक्तों को दो शब्द मार्गदर्शन दें। इंद्र सिंह जी बागावास साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप तमाम भक्तों से। और रमेश जी जांगीर साहब
मंच पर आप पधारिए। मैं चाहूंगा रमेश जी जांगिड़ साहब आपसे, आप हमारे अतिथि महोदय बागावास साहब का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। और आपसे भी गुजारिश है कि कृपया जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथि का अभिवादन में आपकी सहभागिता दिखाएं। और अगली आवाज इंदर सिंह जी बागावास साहब। बाबा के चरणों में पधारे हुए सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। कुलभूषण जी ने कहा कि कुछ बताना है, मैं समझता हूँ कि जितना कुलभूषण जी ने जितने अच्छे शब्दों में बताया उसका 10% भी मैं बता नहीं सकता, पर मैं फिर भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कल एक सद्भावना वाहन रैली रखी है ब्यावर में, उन वीरों की याद में, उन शहीदों की याद में, उन राष्ट्रभक्तों की याद में जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए बलिदान किया। और आज हम जिस आज़ादी की सांस, जिस आज़ादी के वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने अपने प्राण दिए और हमको आज़ादी दी। ऐसे भक्तों को, ऐसे वीरों को नमन करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कल हमने एक आयोजन रखा है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन सभी वीरों के लिए, और उसके लिए हमने काफ़ी झांकियां भी रखी है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कल सुबह 10 बजे आप मिशन ग्राउंड पधारें और इस रैली के सहभागी बने। अब मैं उन जो खमा खमा पैदल यात्री जो के आयोजक हैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो यात्रु यहाँ से जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठकर उन यात्रुओं को, इन यात्रुओं की सेवा करते हैं और जिस दिल और भाव से सेवा करते हैं, वो मैं समझता हूँ वो हजारों संतों से भी अधिक महत्वपूर्ण और महान है, जो रात और दिन और ऐसे पिछले 21 साल से रमेश जी और उनकी टीम सब मिलकर जिस प्रकार से सेवा करते हैं, मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि कितनी मनवार से, कितनी जोर शोर से अपना समय, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा लगाकर और यहाँ से गुजरते हुए यात्रियों को मनवार करके उनकी सेवा करते हैं। मैं समझता हूँ ये हजारों हजारों संतों से भी बड़े महत्वपूर्ण, इनका 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 जो पुण्य है उससे भी ज़्यादा है। ईश्वर इनको लंबी आयु दे, इनको बहुत हमेशा स्वस्थ रखे और ये कार्य जो कर रहे हैं इनको हमेशा बनाए रखे। पधारे बाबा जी का भी स्वागत करता हूँ, एक बार पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, मैं अभी सोच रहा था कि ये जो निर्णायक मंडल बैठा है, क्योंकि अभी 3 लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है, आगे और भी करेंगे, तीनों एक से बढ़कर एक थे, अभी और भी आगे एक से बढ़कर एक आएंगे, तो इनके लिए कितनी मुश्किल होगी इस बात को तय करने में कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, क्योंकि आप सबको, हमको तो बड़ी मुश्किल होगी, आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगी आज, क्योंकि आपको बड़ा जोर पड़ेगा कि इतने अच्छे कलाकार इस मंच पर मौजूद हैं, इतना अच्छा भक्ति का रस बह रहा है, इतनी अच्छी संगीत का रस बह रहा है, इसलिए आज इसका पूरी रात इसका आनंद लेंगे। आप सबको मेरी ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। मेरे को भी आप दोबारा एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इस रैली में पधारे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि यह रैली सिर्फ शहीदों के सम्मान उनके लिए है, लेकिन साथ में एक बात और है, हमको भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त ब्यावर चाहिए, इसके लिए हमको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और यदि एक बार हमने तय कर लिया कि हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त ब्यावर बनाकर रहेंगे तो रहेंगे, इसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं, यदि हम उठ खड़े हुए, वो शहीद भी उठ खड़े हुए थे, उन्होंने भारत को आज़ाद करा दिया, मैं समझता हूँ यदि हमने भी कोशिश की तो इस ब्यावर और मैं जो भी अपराध और भ्रष्टाचार है उसको हम भी मुक्त करा सकते हैं। ईश्वर हम सबको ये शक्ति दे कि हम ऐसा काम करके दिखाएं और ब्यावर को ऐसा सुंदर शहर बनाएं, ऐसा स्थान बनाएं जिस पर लोगों को आने में बहुत अच्छा लगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार बागावास साहब का, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन क्रांतिकारियों को याद कर अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को ब्यावर आगे बढ़ चुका है, उसमें आपकी सहभागिता भी आवश्यक है और तमाम जिलावासियों की भी। हमारे बीच में फतेहगिरी जी महाराज रामगढ़ वाले पधार चुके, एक बार संतों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से तमाम भक्तों से गुजारिश करना चाहूँगा। और बिराटे से हनुमान दास जी महाराज भी, संत महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं, बाबा की इस भव्य दरबार में आपकी उपस्थिति, क्योंकि यही वो संत महात्मा है जो हमारी सनातन संस्कृति का जिंदा सबूत है।
क्योंकि सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे, सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे, अरे सूरज से तेवर छीन लेंगे, दहकते दिन को रात कर लेंगे, अगर बाबा और इन संतों का साथ रहा, अरे चाहे गोरे आए या काले, आ जाओ तो दो हाथ कर लेंगे। बोलो एक बार संत महात्माओं के लिए एक बार जोरदार तालियां और सम्मान होना चाहिए। रामेश्वर गिरिजी महाराज भी हमारे बीच पधार रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भगवत साहब आपका भी पुनः अभिनंदन। तमाम संतगण पधार चुके हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समय का ध्यान रखते हैं। अगली पायदान पर मैं आवाज देता हूं ब्यावर की ही इस धरती के लाल राजू पोपावत को बुलाना चाहूंगा। राजू जी पोपावत, अन्य जो अगले प्रतिभागी है वो आए और अपनी प्रतिभा का मंचन दे। अरे जंगल में रहो या बस्ती में, अरे जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, अरे महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो बाबा की भक्ति में। बोलो राम सा पीर की। अगली आवाज राजू पोपावत। रेडी हैं आप? ओके सर। आपका समय शुरू होता है। हेलो। अब हेलो हेलो, चाहूंगा एक बार सभी विराजमान भक्त हो अवतार। हरि चाच डूबे रे बाबा समंदर में, समंदर में हरि बेगो बेगो हाक थारा बोला दे। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार सभी के दोनों हाथ खड़े, सभी के बाबा के नाम पर दोनों हाथ खड़े और जोरदार जय घोष। भले अजमेर घरों का और की और ताली के साथ में रेडी 1 2 3 4 हो रहा।
घोड़ा ले खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां पर भी जगह मिले आप प्लीज बैठ जाइएगा। अगली पायदान पर मैं आवाज देना चाहता हूं विदिशा जैन, ब्यावर की धरती से विदिशा जैन जल्दी से आए। एक लाडली बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इनके हौसला अफजाई के लिए। इस बाबा के दरबार में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति बाबा को रिझाने के लिए, बाबा की भक्ति के लिए, क्योंकि ये वो दरबार है कि ना नाप के दिया ना तोल के दिया, अरे मेरे बाबा ने जो भी दिया दिल खोल के दिया। तो आप भी लूट लो इस बाबा की नगरी में, इस बाबा के दरबार में अपनी भक्ति से उसे रिझा कर मन चाही हर विश पूरी कर लीजिए। एक से बढ़कर एक प्रतिभागी है तमाम और ब्यावर की लाडली बिटिया विदिशा जैन अगली आवाज। हेलो हेलो बोलिए खाटू श्याम की। हाथ हाथ जोड़ विनती करो
समय को ध्यान में रखते हुए अगली पायदान पर मैं आवाज देना चाहता हूं जीवराज राठौड़ पाली से। क्या हमारे बीच ये प्रतिभा की मौजूद है? सभी प्रतिभागियों से गुजारिश है कि आप जब मंच पर अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करें तब शुरुआत में जयकार कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा अपना भजन शुरू कर सकते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो क्या आप तैयार हैं जीवराज राठौड़? हाँ सर, ओके। आपका समय शुरू होता है, अब म्यूजिक प्लीज। भूली जसोल भटियाणी माते की, भूली लाल बना सवई सिंह जी राठौड़ की जय हो। वारी भक्तों वारी भक्तों। जसवली गाव सुहावणो निमालाणी सिरिमो बटियाणी सारू देवीरो हो जी में निभण करा करजो। तो बालोत्रा निवासी श्रीमान अर्जुन जी राव होया मात्र शक्ति माँ जगदम्बा ने आराधना लिखी बोले माँ आपरे रूप बड़ो निरालो है। हे मातेश्वरी आपरो रूप बड़ो निरालो है। आपरे रूप रे बारे में छोटी सी पंक्तियां भेंट करूं माँ ने और जसोल वायसा ने भक्तों को लिखता हुआ बोले हरि जसोल री दणियों नि सा थारो देव रो ये बहुत अच्छे।
भगो में भाई लिया अपनी महती सुवे ये मा और प्यारो लागे पिछियारो जने करियो माता जी थारो देव रो हीरा जड़ो ये बोल जसोल बजानी मात की ए हो मत छे अरे ढोल रे ना गाड़ा नो पति बाजता ये मा हर बाजे बाजे जानर रोजने कारियो माता जी थारो देव रो हीरा जड़ो ये बहुत अच्छे बालोत्र निवासी श्रीमान अर्जुन जी राव मात्र शक्ति मारे चरणों में पड़ता हुआ माँ ने क्यों माँ आप रे दियोड़ो सब कुछ है कोई बात री कभी नहीं है माँ हे मातेश्वरी जिन प्रकार की छत्र छाया मारे ऊपर राखियो उन प्रकार की छत्र छाया सभी भक्तों रे माते राखजो किन प्रकार भक्त लोग मनाता बोले अरे तो ही कर जोड़नी आपने माँ हती गऊ ये जोड़ने आपने माँ हदी गऊ ये माँ अरे अर्जुन थारे चरणार बहुत बहुत धन्यवाद समय का जरूर ध्यान रखें अगली पायदान पर अभिमन्यु जांगिड़ जल्दी से आ जाइएगा समय की सीमा कम करनी पड़ सकती है समय का जरूर ध्यान रखें जल्दी से अगली पायदान पर प्रतिभागी के रूप में अभिमन्यु जांगिड़ एक छोटा सा ननहा कलाकार भजन गायकी से बाबा के दरबार में भक्ति के रस में आप सभी को डुबोने वाला